नो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। पूछा है डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ लेसर हिमालयस और हिमाचल। कि जो लेसर हिमालयस है, जहाँ जिसको हम हिमाचल भी बोलते हैं, उसकी लोकेशन बताओ कि वो कहाँ पे लोकेट करता है। ठीक है, और उसके साथ, इसके साथ भी दो क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इट्स हाइट अबव सी लेवल। सी लेवल से इसकी हाइट जो है वो कितनी है, किसकी? लेसर हिमालयस की। ठीक है, कि सबसे पहले तो आपने बताना है कि वो लोकेट कहाँ पर करता है, कहाँ पे लाई करता है लेसर हिमालय। और सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है, सी लेवल से इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, ये भी टू क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे भी आपको सिर्फ लोकेशन भी पूछी जा सकती है, या फिर सिर्फ आपको इसकी हाइट भी पूछी जा सकती है, तो या फिर ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको इकट्ठे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन का आंसर देंगे कि इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ पर है। इसका हम लिखेंगे द लेसर हिमालयस द लेसर हिमालयस लाइज इन द इन द कहाँ पे लाई करता था, ये हमने पढ़ा, कौन सी साइड पे था? इन द साउथ ऑफ द हिमालयस, हिमालयस के साउथ में। ठीक है ना, हिमालयस के साउथ में ही था लेसर हिमालयस। ठीक है, तो ये आ गई इसकी लोकेशन कि लेसर हिमालयस जो है ये कहाँ पे लाई करता है, इन द साउथ ऑफ द हिमालयस। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट इज द इट्स हाइट अबव सी लेवल, कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है सी लेवल से। तो इसका आप लिख दोगे द एवरेज हाइट, द एवरेज हाइट ऑफ लेसर हिमालयस इज 3500 मीटर अबव सी लेवल। कितनी है इसकी हाइट, कितनी है इसकी जो एवरेज हाइट है लेसर हिमालयस की, वो है 3500 मीटर्स। ठीक है, सी लेवल से कितनी है, 3500 मीटर्स। ठीक है, तो ये भी आपके दोनों, फर्स्ट हमने इसकी लोकेशन भी बता दी कि जो लेसर हिमालयस है ये साउथ में लाई करता है, हिमालयस के साउथ में लाई करता है, एंड इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 3500 मीटर है। ठीक है, ये आपको दोनों क्वेश्चन साथ में भी आ सकते हैं, या अकेला भी, वो सिर्फ हो सकता है ऐसे ही पूछे कि डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ लेसर हिमालयस, कि सिर्फ लोकेशन बताओ, तब आपने हाइट नहीं लिखनी, तब आपने सिर्फ इसकी लोकेशन बतानी है कि इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, साउथ में है। ठीक है, और अगर वो पूछेंगे कि हाइट कितनी है लेसर हिमालयस की, तब आपने सिर्फ हाइट बतानी है, तब आपने लोकेशन नहीं बतानी। बट अगर वो दोनों ही पूछेंगे कि लोकेशन भी बताओ और हाइट भी बताओ, तब आपने उसकी लोकेशन भी बतानी है और उसकी हाइट भी आपने बतानी है। ठीक है, तो फोर क्वेश्चंस हो गए आपके। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, नेम सम फेमस हिल स्टेशंस लाइंग इन द लेसर हिमालयन रेंज। ठीक है, कि कुछ फेमस हिल स्टेशंस के नाम बताओ जो लेसर हिमालयन रेंज में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो हमने पढ़े थे कि लेसर हिमालयन रेंज में जो है वो काफ़ी सारे हिल स्टेशंस हमने पढ़े थे। ठीक है, तो आपने कुछ हिल स्टेशंस के आपने नाम बता देने हैं, तो कौन कौन से आ गए, जैसे आपका आ गया श्रीनगर, आ गया श्रीनगर, शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल एट्सेट्रा। ठीक है, और भी बहुत सारे जो हैं
हिल स्टेशन जो है पाए जाते हैं, लेकिन जो मेन मेन है वो आ गए हमारे पास, श्रीनगर आ गया, शिमला आ गया, अल्मोड़ा आ गया एंड नैनीताल आ गया, ठीक है। सो दीज आर द सम फेमस हिल स्टेशन लाइंग इन द लेसर हिमालयन रेंज, ठीक है। तो ये जो थे आपके क्वेश्चन हो गए इसके, ठीक है। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 4 क्वेश्चन कर लिए इसके आज, ठीक है। अब इसके हमारे पास एडवांटेजेस बचती हैं हिमालयस की, हम कल करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेंजेस ऑफ हिमालयन रीजन, कि जो हिमालयस है उसकी रेंजेस के बारे में हमने पढ़ा, जैसे ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड शिवालिक्स के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।